और फुलके बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी आटा, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा कप पानी। तो इसे हम गूंथ लेंगे। अगर आप चाहते हैं सॉफ्ट रोटी थोड़ी सी और बनाने के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, सरसों का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम पानी डाल देंगे इसमें, हमें एक बार में सारा पानी नहीं डालना है। और पहले हल्के हाथों तो से इसे मिक्स करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा पानी खत्म हो चुका है, बस थोड़ी सी पानी की हमें और जरूरत है। तो एक बार मैं सारे आटे को एक साथ समेट लेती हूँ। और इस तरह से हल्का हल्का पानी चारों तरफ फैला देंगे। तो यहाँ पे हमारा आटा जो है वो रेडी हो गया है, और इसे हमें मुक्के से इस तरह से मसलना है। तो यहाँ पे आटा हमारा बनकर रेडी हो चुका है, तो इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है ये 5 मिनट तक के लिए हमें छोड़ दिया था। तो इसे एक बार हम फिर से इस तरह से मसल लेंगे। और अब हमारा अगला स्टेप है रोटी बनाने का। तो रोटी को सबसे पहले हम 2-3 रोटी यहाँ पर बेल लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे रोटी को फुलाने का तरीका। यहाँ पे हम रोटियाँ बेलेंगे अब। तो सबसे पहले हम 2-3 लोई बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लोई पहले निकाल लिया है, और इसकी हम अलग अलग तरह से रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने घोल किया, फिर मैंने इसमें सूखा आटा लगाया, और इस तरह से हम दबाकर इस तरह से पतला कर लेना है। और थोड़ा सा सूखा आटा इस पे हम ऊपर में डाल देंगे दोनों साइड, ताकि जो हमारा रोटी है वो चिपके ना। और उसके बाद हमें इसे बेलना है। तो बेलने का तरीका मेरा ये है, आप इस तरह से रोटी को गोल गोल घुमाकर बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक गोल रोटी बेल ली है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से 2 रोटी हम और बेल लेंगे। तो स्टेप हमारा वही है, पहले हम गोल लोई करेंगे, सूखा बर्तन लगाएंगे आटे का, इस तरह से प्रेस करेंगे, और फिर गोल गोल घुमाकर इसे थोड़ा पतला कर लेंगे हम। फिर दोनों साइड हमें आटे लगा लेंगे, सूखे आटे। तो दूसरी रोटी भी हमारी बिल्कुल यहाँ रेडी हो गया है, तो इसे भी हम प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर तीसरा रोटी भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम रोटी और फुलके सेकेंगे। यहाँ पे मैंने रोटी डाली, और इस रोटी को हम फुलाएंगे गैस पर ही। तो यहाँ पे रोटी हमारा हल्का सेक चुका है, इसे हम दूसरी साइड पलट देंगे, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। इस रोटी को हम गैस पर फुलाएंगे, तो रोटी एक साइड हमारी सिक चुकी है, तो तवा को हम हटा देंगे और गैस के ऊपर रोटी रख देंगे। तो आप देख सकते हैं रोटी अपने आप फूल रही है।
तो फुलके और रोटी बनकर हमारी रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। तो अगर आपको मेरा आज का ये रेसिपी अच्छा लगा है, अगर आपको इस रेसिपी में कुछ लगा हो कि अलग रहना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी रेसिपी को थोड़ा सा और सुधारने की कोशिश करूँगी, तो अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो ज़रूर मेरे रेसिपी पे रिप्लाई करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।